नमस्कार, आरएनसी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डांगियावास के पड़ोसी गांव बिशलपुर में पानी की रपट में बह जाने के मामले में एक युवक के बह जाने की खबर कल से सोशल मीडिया पर फैली हुई है। घिसाराम नामक का आदमी उसमें तैरने के लिए कूद गया और फिर वह किसी को दिखाई नहीं दिया। उस समय किसी ने देख कर वह डांगियावास के पड़ोसी गाँव बिशलपुर में पानी की रपट बहती है। कल सुबह से शाम इस रपट में घिसाराम मेघवाल नामक का आदमी शराब के नशे में कूद गया। उस समय किसी ने देख कर यह खबर फैला दी कि दोपहर के बाद पूरा प्रशासन वहां पहुंच गया, जिसमें एसडीएम, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विधायक भी मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से घिसा को ढूंढा जाने लगा। शाम तक घिसा की कोई खबर नहीं लगी और पूरा दिन आसपास के गाँवों में ये खबर फैल गई। घिसाराम डूबकर मरने की खबर चारों तरफ फैली गई और विधायक जी ने सरकारी फंड से मदद देने का आश्वासन भी दे दिया। सुनने में आ रहा है कि घासी अच्छा तैराक है और रपट में कूदने के बाद पानी के अंदर ही तैरते हुए सड़क से काफ़ी दूर आगे जाकर बाहर निकल गया और फिर अपने घर जाकर सो गया और इधर पीछे लोग उसे देख नहीं पाए और घिसा के डूबने की खबर फैला दी गई। घिसा पानी में डूब गया। दोपहर तक पूरा प्रशासन वहां पहुंचा, जिसमें एसडीएम, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विधायक जी भी मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से घिसा को ढूंढा जाने लगा पर घिसा की कोई खबर नहीं लगी, क्योंकि घिसाराम ने बताया कि वो एक अच्छा तैराक है और पानी के बहाव में निकल कर वो अपने घर पर जाकर सो गए। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए आरएनसी न्यूज़, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।